अगली खबर मध्य प्रदेश के गुना जिले से है, जहां गुना रेलवे स्टेशन पर लावारिस मिले दो बच्चों के परिजन का पता चल गया है। दोनों बच्चे दिल्ली के सराय काले खां इलाके से किडनैप किए गए थे। आरोपी उनको बीना से कोटा जाने वाली ट्रेन में बैठाकर चिप्स लेने चला गया। इतने में ट्रेन चलती दोनों बच्चे चेकिंग के दौरान जीआरपी को गुना रेलवे स्टेशन पर मिले थे। दिल्ली पुलिस और बच्चों के परिजन गुना पहुंच गए हैं, अब उनकी सुपुर्दगी की कार्रवाई की जाएगी। बता दें, रविवार शाम बीना कोटा पैसेंजर ट्रेन में यात्रियों को दो बच्चे मिले थे। इसकी सूचना जीआरपी को दी गई थी। पुलिस ने उनको पहले खाना खिलाया, फिर नाम बता पूछा। उन्होंने अपने नाम सूरज और राजकुमार बताया, पिता का नाम किशोर मंडल, माँ का नाम ललिता देवी और पता दिल्ली का बताया। बच्चे पहली कक्षा में पढ़ते हैं। उन्होंने बताया कि उनके चाचा उन्हें चॉकलेट खिलाने का कहकर दिल्ली से बीना लाए थे। दोनों बच्चों को जिला अस्पताल के शिशु गृह माँ स्वरूप आश्रम में रखा गया है। गुना में जीआरपी में पदस्थ एएसआई श्रीपाल सिंह ने बताया कि बच्चों को आश्रम भेजने के बाद जीआरपी थाने में कंट्रोल रूम दिल्ली को सूचना दी गई है। गुना पुलिस से जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस ने बच्चों की मां को सूचना दी। बच्चों के परिवार वाले और दिल्ली पुलिस गुना पहुंच गए हैं। यहां बाल कल्याण समिति के सामने बच्चों और परिवार वालों की काउंसलिंग की जाएगी। इसके बाद बच्चों को उन्हें परिवार वालों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। मतलब कुछ देख उसको फुसला के ले जा रहा है। अच्छा, ऐसे नहीं जाते मेरा बच्चा, कुछ दे के ले जाए।